की चटनी बनाने के लिए हमने 4 टमाटर लिए हैं, 7-8 लाल मिर्च ली हुई है और 7-8 लहसुन की कली, इसको हम बॉईल करेंगे। मोमोज बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा, मैदा हमने 2 कटोरी लिया हुआ है, मेरी कटोरी का साइज ये था तो ये हमने 2 कटोरी मैदा लिया हुआ है। इसमें हम डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा नमक, 1 चुटकी नमक ही हम डालेंगे इसमें और इसका हमें एक सॉफ्ट सा डो बनाना है। वो हमारा बन गया, इसको हम 10 मिनट के लिए रख देंगे। तो अब हम मोमोज के लिए फिलिंग बनाने जा रहे हैं, उसके लिए डालेंगे हम थोड़ा सा तेल, यहाँ हमने ये सोयाबीन ली हुई है जिसको हमने 4-5 घंटे भिगोने के बाद उसका पानी निचोड़ के उसे पीस लिया था। आप चाहे तो सोयाबीन का चूरा, जिसे सोया ग्रैनुअल्स बोलते हैं, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आपके पास जो बरी हो आप उसको भिगो के इस तरह से पीस लीजिएगा। तेल हमारा गरम हो गया है, इसमें हम डालेंगे ये सोयाबीन की बरी। तो हमें थोड़ा सा रोस्ट करना है, जब ये रोस्ट होगा इसमें हल्की सी खुशबू आएगी जिससे हमें ये पता चलेगा ये रोस्ट हो चुका है। रोस्ट हो गया है सोयाबीन, अभी ये पूरी तरह से रोस्ट नहीं हुआ है, तो अब इसमें हम डालेंगे नमक,
एक चम्मच मैंने इसमें नमक डाल दिया। एक चौथाई चम्मच लाल मिर्च। लाल मिर्च हम कम डालेंगे क्योंकि मोमोज की चटनी में भी काफ़ी मिर्च होती है। अब इसमें हम डालेंगे मैगी मसाला। तो इसमें मैं आधा पैकेट मैगी मसाला का यूज़ करूँगी। तो इसमें मैंने आधा पैकेट मैगी मसाला डाला है। इसको हम चला लेंगे। आप चाहो तो इसमें आप मैगी भी डाल सकते हो, क्योंकि लॉकडाउन है तो मुझे मैगी मिली नहीं, इसलिए मैं मैगी नहीं डाल रही हूँ इसमें। मैगी डालो तो करना कुछ नहीं है, केवल आपको मैगी को बॉईल करना है और इसमें ऐड करना है, बाकी प्रोसेस सेम यही रहेगी। तो अब ये मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है और मोमोज की फिलिंग तैयार हो गई है। मोमोज बनाने के लिए हमें इतनी छोटी छोटी सी लोई बनानी है और उसको बहुत पतला पतला बेल लेना है। इस तरह से हमें पतली पूड़ी बनानी है। इसमें हम ये फिलिंग को डालेंगे और इस तरह से उसे फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमारा मोमोज बन गया। इस तरह से हम सारे मोमोज को फिल कर लेंगे। टमाटर बॉईल हो गया है, इसको हम निकाल लेंगे। इसको हम ठंडा होने देंगे। तो अब मोमोज को हम स्टीम करेंगे। हमने यहाँ भगोना लिया है, इसमें हम पानी को बॉईल कर लेंगे। जब तक पानी बॉईल हो रहा है, हमने ये छलनी ली हुई है, इसको हमने पूरी तरह से ऑयल से ग्रीस कर लिया है, ऑयल अच्छे से लगा लिया है। अब इसमें हम मोमोज को रखेंगे। तो अब हम इसमें मोमोज को रख लेंगे।
तो मोमोज हमने रख लिए हैं, इसको हम रख देंगे इस भगोने के ऊपर और इसको एक थाली से ढक देंगे। इसको हमें 10 मिनट के लिए स्टीम करना है। टमाटर ठंडे हो गए, इसको हमको हल्का सा कट कर लेना है। तो ये हमारे सारे टमाटर कट गए। अब इसको हम डालेंगे ग्राइंडर में। और आधे चम्मच से कम डालेंगे इसमें नमक। इसे हम पीस लेंगे। तो चटनी हमारी बन गई है, इसको हम एक कटोरी में निकाल लेंगे। तो ये बन गई हमारी मोमोज की चटनी। अब हम इसे चेक करेंगे। तो मोमोज हमारे बन गए। आप 10 मिनट बाद इसे देख लीजिएगा, अगर आपके मोमोज बने नहीं है तो आप कुछ देर और पका सकते हैं। इसका कलर चेंज हो गया, इसका मतलब ये तैयार हो गए। इसे अब हम निकाल लेंगे। काफ़ी गरम गरम है तो आराम से निकालिएगा। Okay, inside the unit.